नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ दिल्ली से। बता दें आपको, बीआरएस नेता के कविता को लगा झटका कि कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। इस तरह से बीआरएस नेता के कविता के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी उनकी तरफ से, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। बीआरएस नेता है के कविता, राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है उनको झटका। कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केस में के कविता को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। आज उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, लेकिन लगा उन्हें बड़ा झटका और उन्हें जमानत देने से कोर्ट का इनकार। ईडी और सीबीआई मामलों में ये याचिका खारिज हुई है जमानत से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी है बीआरएस नेता के कविता, कस्टडी में है लगातार। के कविता की जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उसे आज सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है और इस तरह से एक बार फिर जमानत को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई थी के कविता की तरफ से, वो खारिज होने के बाद के कविता के लिए मुसीबतें और बढ़ती हुई। ये एक और झटका के कविता के लिए।